बिन मौसम आलू मटर की सब्ज़ी मिल जाए तो सब्जियों का क्या कहना, तबीयत ही खुश हो जाती है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग कढ़ाई में डालेंगे एक कटोरी तेल। तेल को हीट होने देंगे, ज़्यादा नहीं, मीडियम आँच हम लोग को रखना है, हाई नहीं रखना है। उसी बीच हम लोग डालेंगे एक चम्मच ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा डाल देना है। इसमें डालेंगे तीन मीडियम साइज़ की प्याज, अच्छे से चॉप करके डाल दें। आप लोग चाहो तो स्लाइस में काट के चॉप करके कोई भी करके डाल सकती हो। उसी बीच हम लोग डालेंगे एक चम्मच नमक और आधा चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर और नमक उसी बीच डालने से क्या होता है, प्याज जल्दी गोल्डन ब्राउन हो जाती है। अब इसमें हम लोग डालेंगे एक चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट और एक से दो मिनट के लिए इसको भूनेंगे कि अदरक लहसुन का जो पानी रहता है वो खुश्क हो जाए और अच्छी सी महक आने लगे, बहुत अच्छी सी महक आने लगे। इसी बीच हम लोग डालेंगे दो मीडियम साइज बारीक कटे हुए टमाटर। ढक्कन लगाकर इसको 15 से 20 मिनट के लिए पकने देंगे एकदम मीडियम आंच पर। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। चलिए ढक्कन हटाकर देखते हैं सब्ज़ी की क्या हाल है। ये देखिए टमाटर अच्छे से गल चुके हैं। अब इसी बीच हम लोग डाल देंगे आलू। हम लोग ले लिए थे 250 ग्राम आलू, छोटे टुकड़े में काट के रख लिए थे। आलू छोटे टुकड़े में काटने से क्या होता है कि आलू फटाफट से गल जाता है और देखने में भी अच्छा लगता है। चलिए आलू हम डालकर 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हम लोग डालेंगे पानी 1.5 गिलास। इसमें पानी चला गया है 1.5 गिलास। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे एक चम्मच की मदद से। ये देखिए सब्ज़ी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब ढक्कन लगाकर 20 मिनट के लिए मीडियम आंच पर पकाएंगे। 20 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए अच्छे से पकने लगे। इसमें हम लोग डालेंगे एक चम्मच कसूरी मेथी। थोड़ा हाथ से कसूरी मेथी को रगड़ कर तब डालना है। चलिए चटनी तैयार कर लेते हैं। एक मुट्ठी ले लिए थे हम लोग धनिया पत्ती, 8 से 10 हरी मिर्च, एक मीडियम साइज़ की प्याज, इसको हम लोग को ग्राइंडर कर लेना है। ये सब्ज़ी हमारी अच्छे से गल चुकी है, देखिए। अब इसमें हम लोग डाल देंगे एक कटोरी भर के हरी मटर। हम लोग हरी मटर लास्ट में इसलिए डाल रहे हैं, हम लोग के पास ये फ्रीज़र वाली हरी मटर, अगर आप लोग के पास ताज़ी हो तो आप थोड़ा पहले डाल दो। ये देखिए अब मटर डाल के तुरंत हम लोग को जो ग्राइंडर की थी चटनी वो डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद 15 से 20 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। ढक्कन लगा के नहीं, खोल के पकाना है, जिससे सब्ज़ी एकदम हरी हरी दिखेगी। ये देखिए हम लोग की चटपटी सी अम्मी से सब्ज़ी बनकर तैयार है। बॉयल भी आ चुके हैं। हम लोग की चटपटी सब्ज़ी फटाफट से तैयार हो गई है। आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करिए। आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिए। उसी बीच मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करिए। अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।